तो सर, अगर आपका बिजनेस भी कैशलेस इकोनॉमी से पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है और अगर आप उन ट्रेडर्स में से एक हैं जो बेचारे रोज बैंक जा रहे हैं और कह रहे हैं सर प्लीज कार्ड स्वैपिंग मशीन दे दो, और उन बेचारों को नहीं मिल पा रही, तो सर ये वीडियो आपके लिए ही है। सर छोड़ दो बैंक की लाइन को, कोई जरूरत नहीं है कार्ड स्वैपिंग मशीन की। सर सिर्फ इतना करना है कि जो हमसे परचेज करने आए उन्हें वीडियो दिखाएं और उनसे भीम ऐप डाउनलोड कराएं। जी हाँ सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली भीम ऐप लॉन्च कर दी है। ये ऐप इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, इसका यूजर इंटरफेस मोर एंड लेस डिजिटल वॉलेट्स जितना आसान है इस्तेमाल करना, और सर इतना सेफ है जितना यूपीआई पेमेंट्स है। क्या आपको ये नहीं पता था कि डिजिटल वॉलेट सेफ नहीं है? सर डिजिटल वॉलेट का नाम ही कहता है, इट्स अ वॉलेट। जिस तरह वॉलेट खोने पे पैसे खो जाते हैं, अगर सर डिजिटल वॉलेट यानी कि आपका मोबाइल इधर उधर किसी के हाथ में आ गया तो समझो सर पैसे वहां भी चले गए। लेकिन सर भीम ऐप में ऐसा नहीं है। यूपीआई में क्या होता है कि पैसे सीधा बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में जाते हैं, क्योंकि सर पैसे बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में जाते हैं और बीच में फोन में रुकते ही नहीं है, इसलिए सर उसमें सेफ्टी ज्यादा है। तो आइए सर देखते हैं कि भीम ऐप यूज कैसे करें। तो सर सबसे पहले जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे और वहां पे टाइप करेंगे भीम। तो देखिए सर, ऊपर ऊपर ये पहली इन्होंने एप्लीकेशन ढूंढ ली है भीम की, इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए सर, हमारी ये ऐप खुल गई है और इसको आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं। वैसे भारत सरकार ने कहा है कि आने वाले दिनों में ये और ज्यादा लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होगी। तो चलिए सर नेक्स्ट कर लेते हैं। ये फटाफट हमें बता रहा है कि किस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं सर और फटाफट एक SMS के थ्रू वेरीफाई कर लेते हैं हमारा नंबर। ये देखिए सर, यहां से SMS चला गया है, कंफर्मेशन आ गई है और SMS इनके वहां मिल भी गया है तो हमारा मोबाइल वेरीफाई हो गया है। चलिए सर एक पासवर्ड बना लेते हैं। ये पासवर्ड सिंपली हमने इसलिए बनाना है ताकि हम ऐप इसे खोल सके। अभी हमें एक यूपीन पासवर्ड अलग बनाना है सर, ध्यान रखिए दोनों पासवर्ड अलग होने चाहिए। तो ये वाला पासवर्ड सिर्फ ऐप खोलने के लिए। तो देखिए सर ये बन गया है। अब सबसे पहले सर फटाफट एक बढ़िया सा अपना बैंक अकाउंट इसमें लिंक कर लेते हैं। सर यूपीआई की तरह से थोड़ा सा अलग है इसमें, इसमें आप एक टाइम पे एक ही अकाउंट ऐड कर सकते हैं। यूपीआई ऐप के अंदर आप जितने चाहें उतने ऐप्स उतने अकाउंट आप ऐड कर सकते थे। ये देखिए सर, ये मैंने खोल लिया है, मेरी यूपीआई में ऑलरेडी ये मेरा एक अकाउंट ऐड हुआ हुआ था। अगर मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ। और सर ये सारे बैंक्स आ गए हैं, इनमें से किसी भी बैंक पे जाके मैं उसका बैंक उसका अकाउंट लिंक कर सकते हैं। मैं वही अकाउंट लिंक कर पाऊंगा सर जिसमें मेरा ये रजिस्टर्ड नंबर लिंक्ड है। तो देखिए सर मैं वापस आ जाता हूं अपने ICICI के बैंक पे। अगर तो सर आप ट्रेडर हैं और आपने सिर्फ पेमेंट लेनी है तो सर ये स्टेप करते ही यू आर गुड टू गो। यहां जाइए, अपनी प्रोफाइल चेक कीजिए। तो देखिए सर ये आपकी प्रोफाइल बन के तैयार हो गई है। आपका मोबाइल नंबर ही आपकी ID है, इसी के थ्रू पैसे आप रिसीव कर पाएंगे या फिर बंदा आपको स्कैन करके भी पेमेंट भेज सकता है। सर इस स्क्रीनशॉट को डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए सर ये डाउनलोड हो गया, ये देखिए सर ये मेरा डाउनलोड होके आ गया है। और सर इसका प्रिंट आउट लेके लगा लीजिए सर अपने काउंटर्स पे ताकि जो भी आएगा वो सीधा इसको स्कैन करके आपसे आपको पेमेंट कर पाएगा। चल से वापस चलते हैं अपनी भीम ऐप पे। चलिए सर अब हमने पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा, यूपीआई पासवर्ड। तो देखिए सर वापस आते हैं, यहां पे आते हैं रीसेट माय यूपीआई पिन। तो चलिए सर ये हमें से कुछ डिटेल्स मांगी है। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट अपनी कुछ डिटेल्स भर देता हूँ। देखिए सर मैंने डिटेल भर दिया तो एक OTP मेरे को भेजेगा।
जिसके लिए ऑब्वियसली फिर से SMS भेजेंगे मेरे को, देखिए मेरा OTP आ गया है, तो मैं यहाँ पे OTP अपना भर देता हूँ। OTP भरने के बाद मैं अपना 4 डिजिट का UPI नंबर, UPI कोड सेट कर सकता हूँ। याद रखिए सर, ये कोड जो हमने पहले भरा था उससे अलग होना चाहिए। तो देखिए सर, मेरा कोड बन गया है। अब सर बहुत सिंपल है, डिजिटल वॉलेट की तरह ही आप बड़ी आसानी से पेमेंट भेज सकेंगे और ले भी पाएंगे। पहला तरीका है सर, स्कैन कीजिए और पेमेंट कर दीजिए, यानी कि वो QR कोड जो मैंने थोड़ी देर पहले प्रोफाइल से निकाला था, अगर किसी दुकान पे वो लगा हुआ है और मैं उस दुकानदार को पेमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ बटन दबाऊंगा और उसको स्कैन करके भेज दूंगा, और अगर नहीं तो दूसरे तरीके पे चलते हैं, सेंड का बटन दबाइए। और सर ये आपसे वो मोबाइल नंबर पूछ रहा है जिस मोबाइल नंबर पे आप पेमेंट भेजना चाहते हैं, जिनका भीम एक्टिवेटेड है। तो चलिए सर, मैं एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ फटाफट। तो देखिए सर, ये मेरा मोबाइल नंबर पे फटाफट पूरा जी वेरीफाई कर लो इस पे है भी या नहीं है। तो वेरीफाई ने कर दिया जी, बिल्कुल मेरे बेटे के नाम पे एक माइनर अकाउंट इस नंबर पे चल रहा है। तो चलिए सर फटाफट अमाउंट भर देते हैं, मैं उसको चलिए आज 500 रुपये देता हूँ, वो भी क्या याद रखेगा, खुश हो जाएगा। और एक छोटा सा रिमार्क डाल देता हूँ कि बेटा ये तेरी पॉकेट मनी है पूरे महीने की, बीच में खर्चनी नहीं है। और सर फटाफट पे का बटन दबा देते हैं, जैसे ही पे का बटन दबा देते हैं ये हमारा UPI पिन मांगता है सर, ये वाला पिन है जो मैंने दूसरी बार में बनाया था। तो सर देखिए ये पिन डालते ही जैसे ही मैं ओके करता हूँ, पैसे चले गए सर। देखिए कितना बढ़िया और आसान तरीका है। तो सर अगर आप खुद ट्रेडर हैं और अगर आपने अभी तक अपने यहाँ पे कार्ड स्वैपिंग मशीन नहीं लगाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये वीडियो दिखाइए ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर्स को और उनका भीम डाउनलोड कराइए, और सर कार्ड पेमेंट पे लगने वाले 2% से भी निजात पाइए। तो देखा सर आपने, ये कितना आसान था। तो सर आज ही अपने कस्टमर्स को ये वीडियो भेजें और उन्हें कहें कि ये ऐप डाउनलोड करें, और इसके थ्रू आपको कहीं पे भी बैठे हुए पेमेंट करें, शॉप तक आने की भी जरूरत नहीं है। और इतना ही नहीं सर, देखिए सर मैंने बहुत सोचा और मैंने ये रियलाइज किया कि सर गांव देहात का तो पता नहीं, लेकिन शहर जितने भी हैं, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, आज के डेट में सबके पास स्मार्टफोन आ गया है और वो सब इस ऐप का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। हाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि सर इंटरनेट कई बार अवेलेबल नहीं होता। सर छोटी सी तकलीफ है ना सर, अपने यहाँ वाईफाई लगाइए और बिना उन्हें पासवर्ड बताए WPS टेक्निक से थोड़ी देर के लिए उन्हें टेम्प्रेरी पासवर्ड दीजिए और पेमेंट लीजिए। क्या कह रहे हैं सर, आपको WPS टेक्निक यूज करनी नहीं आती, जहां पे अपना वाईफाई आप बिना पासवर्ड शेयर किए देते हैं? तो सर हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए ना, नेक्स्ट वीडियो WPS पे। तब तक के लिए सर अपने बिजनेस को कैशलेस बनाइए और इस इकोनॉमी में सर्वाइव कीजिए। जय हिंद।